भारत और बांग्लादेश के बीच बड़ा मुकाबला और हमेशा की तरह टीम इंडिया के फैंस की कोई कमी नहीं है, जोश की कोई कमी नहीं है। देखिए कितना कलरफुल माहौल है यहाँ पर, भारत का सपोर्ट है। आप बताइए सेमीफाइनल में जा रहे हैं आज? हम पक्का जा रहे हैं, बांग्लादेश को हरा देंगे और इंडिया तो जाएगा यही फाइनल और कप भी लेके आएगा। वो बांग्लादेश का नागिन डांस का मौका तो नहीं है ना आज? आज देना तो नहीं चाहिए, बाकी हम लोग उसके लिए आए हैं कि उसका जवाब हम दे सके। और विराट कोहली कमाल के टच में, अब जैसे हमारा टीचर बोलता है सचिन इज एन इमोशन और कोहली इज एन एक्सपीरियंस, तो कमाल का टच, जिताएगा आज भी कोहली हमारा। और केएल राहुल का थोड़ा सा फॉर्म गड़बड़ है लेकिन फॉर्म में आएंगे आज? या आज आएंगे, उनका एक एवरेज काफी टाइम से नहीं चल रहा है तो आज उसकी बारी है क्लिक होने की। वी आर काउंटिंग ऑन हिम, हम बैट लगा के आए केएल राहुल पर और इंडिया पर। और हर्षदीप सिंह कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, उसका तो कमाल ही है और उसके साथ मोहम्मद शमी भी, ऑल्दो रिसेंटली टीम में आया बट जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है। बिल्कुल, ये विराट कोहली का फेवरेट हंटिंग ग्राउंड है। मैं आपको बता दूं एडिलेड में इस मैदान पर विराट कोहली की 5 सेंचुरी है, टेस्ट कप्तानी की शुरुआत यहीं से की थी, दोनों पारियों में शतक बनाया था। तो एडिलेड का इधर बैटिंग पिच है, अब जो अब तक 130-140 दिख रहा था आज 180-190 जाना चाहिए पक्का जाना चाहिए। और वो आपने नागिन डांस का पूछा था, हम तो ये बोलेंगे इंडिया से प्राचीन समय से हम तो नागिन को कंट्रोल करके आए हैं। कैसे बीन बजाएंगे बताइए? नागिन को तो भोसला बजाएगा। और आपको और एक बात बता दें कि आखिर में बाप तो बाप ही होता है। बांग्लादेश के खिलाफ भी बहुत अहम मुकाबला, फैंस चाहते हैं टीम इंडिया जीते, यहीं पर सेमीफाइनल स्पॉट पक्का करे। और अगर हम 8 पॉइंट हो जाएंगे तो एडिलेड में ही होगा फिर। हाँ, बराबर, एकदम एकदम बराबर। आप तो एडिलेड में देखना चाहते हैं ना सेमीफाइनल? हाँ जी, एडिलेड में देखना चाहते हैं बिल्कुल, लेकिन उसके लिए पहले अच्छा क्रिकेट खेलना होगा, जीत के दिखाना होगा। कैमरामैन मुकेश सांगला के साथ एडिलेड ओवल से जी न्यूज के लिए मैं कपिल वशिष्ठ। जीतेगा, इंडिया जीतेगा। वंदे मातरम।